हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एक टॉपिक जो है आपका अरेस्ट ऑफ पर्सन। ठीक है ना। अब अरेस्ट ऑफ पर्सन जो है, इसके प्रोविजंस आपको क्रिमिनल प्रोसीजर के चैप्टर फाइव में मिलेंगे। देखिए, इसका ना कुछ नॉर्मल से जो वीडियोज़ हैं वो आपके दो तीन वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ अरेस्ट से रिलेटेड, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम ले रहे हैं ना, यहाँ पर हम बेयर एक्ट से देखेंगे कि किस तरीके से बेयर एक्ट में कौन कौन से सेक्शन में क्या बात की गई है। तो बेयर एक्ट की अगर हम लैंग्वेज देखें तो बेयर एक्ट का जो सेक्शन 41 है ना, वो बात करता है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है ना, कि आपका जो पुलिस ऑफिसर है वो कब बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो क्लॉज 1 है वो क्या कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो आपका बिना वारंट के, ठीक है ना, बिना किसी वारंट के, बिना किसी ऑर्डर के, किसी मजिस्ट्रेट के, ठीक है ना, किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं कुछ कंडीशंस में। ठीक है, और वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, वो कंडीशंस आपके ये जो आपके क्लॉजेस सब क्लॉजेस दे रखे हैं इनमें आपका मेंशन है। तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन है, सबसे पहले है कि जो आपका क्या बोलते हैं, उस ऐसे पर्सन को कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के जिसने कि कमिट किया हो कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। मतलब पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस किसी पर्सन ने आपका कमिट किया है। देखिए, जनरली जो आपके कॉग्निजिबल ऑफेंस होते हैं ना, वो आपके नॉन बेलेबल होते हैं। जनरली कह रही हूँ मैं, सारे नहीं कह रही हूँ मैं, बट जनरली आपके कॉग्निजिबल ऑफेंस जो होते हैं वो थोड़े सीवियर नेचर के होते हैं और वो आपके नॉन बेलेबल होते हैं। ठीक है, दूसरा, किस तरीके के पर्सन को वो आपका पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के, अगेंस्ट होम अ रीजनेबल कंप्लेन हैज़ बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड और अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट दैट ही हैज़ कमिटेड अ कॉग्निजिबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म विच मे बी लेस देन 7 years और विच मे एक्सटेंड टू 7 years वेदर और विदाउट फाइन। फाइन, तो ये कहते हैं, पहली इन्होंने कंडीशन क्या कही कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे पर्सन को अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के अगर उस पर्सन ने कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट किया है उस पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में। दूसरा, कि अगर मान लीजिए किसी ऐसे पर्सन के खिलाफ जिसके खिलाफ कोई रीजनेबल कंप्लेंट आई है या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है या फिर रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं सस्पिशन के, मतलब शक है, रीजनेबल ग्राउंड्स के बेसिस पे उसके ऊपर शक एग्जिस्ट करता है कि उसने कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट जो है वो आपकी क्या हो सकती है, 7 साल से कम, ठीक है ना, या फिर 7 साल से विच में एक्सटेंड टू 7 years, 7 साल से कम, ठीक है ना, या फिर 7 साल तक एक्सटेंड कर सकती है फाइन के साथ या बिना फाइन के। फाइन, इसका मतलब, इसको एक और बार बता देती हूँ मैं आपको, कि एक पर्सन, मान लीजिए कोई एक पर्सन जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है, रजिस्टर हुई है, या किसी या उसके अगेंस्ट कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है या सस्पिशन ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं रीजनेबल कि उसने कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट 7 साल से कम या फिर 7 साल तक एक्सटेंड कर हो सकती है, ठीक है ना, तो ऐसे पर्सन को आपका पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। बट इसके लिए भी कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होनी ज़रूरी हैं जो बी के फर्स्ट सेकेंड पार्ट में मेंशन की गई है। तो ये कंडीशंस कौन कौन सी हैं इनको हम देख लेते हैं। द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इंफॉर्मेशन और सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज़ कमिटेड द सेट ऑफेंस। कि अगर मान लीजिए ये कंडीशन फुलफिल होती है, कंडीशन क्या है कि पुलिस ऑफिसर जो है ना उसके पास में कुछ रीजन्स है ये मानने के लिए कि जो भी कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन या शक उसकी तरफ है, उस पर्सन की तरफ है, ठीक है ना, जिसको अरेस्ट किया जाना है, उसने जो जिस ऑफेंस के रिगार्डिंग उसे अरेस्ट करना है वो उसने किया है, इसके लिए उसके पास में कुछ सफिशिएंट रीजंस होने चाहिए,
कि वो इस तरीके से माने कि कंप्लेंट जो उसके अगेंस्ट आई है, जो इन्फॉर्मेशन उसके अगेंस्ट मिली है, या जो भी शक उसके अगेंस्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, वो आपका क्या है, वो उसने किया है, वो ऑफेंस उसने कमिट किया है, तब इस बेस पे भी पुलिस ऑफिसर ऐसे पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। पर ये ध्यान रखिएगा, ये ऑफेंस कैसा होना चाहिए, कॉग्निजिबल होना चाहिए, और जिसकी पनिशमेंट 7 साल से कम या 7 साल तक एक्सटेंड होना चाहिए। फाइन, नाउ सेकेंड क्या है कि अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाई करता है दैट सच अरेस्ट इज़ नेसेसरी, ठीक है ना, अगर पुलिस ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाइड है कि इस तरीके का जो अरेस्ट उसे करना है वो ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, कि ताकि वो पर्सन जो है ना वो कोई और ऑफेंस कमिट ना करे, वो पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाना है, ठीक है ना, वो कोई और ऑफेंस ना करे, या फिर उसका अरेस्ट ज़रूरी है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस के लिए, ठीक है ना, या फिर उस पर्सन को जिसको अरेस्ट किया जाना है ना उसको प्रिवेंट किया जा सके, ताकि वो एविडेंस वगैरह जो है ना ऑफेंस से रिलेटेड जो भी एविडेंस है, ठीक है ना, उनको उनके उनकी टेम्परिंग मतलब उनसे कोई भी छेड़छाड़ ना करे, या फिर उनको कहीं छुपा ना दे, या बोलते नहीं है वहाँ उनको नष्ट कर दे, ऐसा अगर उसका मानना है कि भाई अरेस्ट ज़रूरी है तो उसे अरेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस सो एज टू डिसवेट हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स टू दी कोर्ट और टू दी पुलिस ऑफिसर। और चौथी बात क्या है, चौथी बात यह है कि ताकि वो पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाना है ना वो पर्सन ना किसी ऐसे पर्सन को किसी भी तरीके से डरा धमका ना सके, ठीक है, डरा धमका ना सके, कोई रिश्वत ना दे सके जो कि केस से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में जानता है। फाइन, एंड द लास्ट इसमें क्या रखा है, एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन कोर्ट व्हेनेवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी अश्योर्ड। और उस पुलिस ऑफिसर का ये मानना हो कि अगर उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया गया तो जब भी उसकी कोर्ट में ज़रूरत है तो उसको पेश करना जो है मुश्किल हो जाए। तो इन सारी कंडीशंस के हिसाब से अगर ये सारी कंडीशन या इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। देखिए, ये बेयर एक्ट से मैं आपको बता रही हूँ ना, तो थोड़ा सा ये आपको समझने में थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो, बट इसका आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कॉन्सेप्ट में क्या मेंशन किया गया है, ठीक है ना। तो इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, इतना पार्ट फिर से पढ़ लेते हैं। सेक्शन 41 काफ़ी लंबा है ना, मैं इसलिए बता रही ताकि आपको इसका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को बिना वारंट के कब अरेस्ट कर सकता है, दो कंडीशंस पे। एक तो या तो उसने कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट किया हो उस पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में, या फिर दूसरा क्या है कि उस पर्सन के खिलाफ, ठीक है ना, कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट करने के जिस मतलब उस पर्सन के खिलाफ ना रीजनेबल कंप्लेंट फाइल की गई हो, कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली हो, या रीजनेबल सस्पिशियस ग्राउंड एग्जिस्ट करते हों जिसके बेस पे ये माना जा सके कि उसने वो कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट किया है। और ये कॉग्निजिबल ऑफेंस किस नेचर का होगा कि इसकी जो पनिशमेंट है वो या तो 7 साल से कम है या फिर 7 साल तक भी एक्सटेंड हो सकती है, ऐसा कॉग्निजिबल ऑफेंस, ठीक है ना। तो ऐसे पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, बट इसके लिए भी ये जो सेकंड बात हमने कही है ना कि सस्पिशन का ग्राउंड है, कंप्लेंट फाइल की गई है, कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली है ऐसे पर्सन के खिलाफ, ठीक है ना, जिसने ऐसा कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट किया है, ये माना जा रहा है, मतलब माना जा सकता है कि उसने कोई ऐसा कॉग्निजिबल ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट 7 साल से कम या 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, तो उस केस में उसको बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, बट उसके लिए भी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। तो उसमें से कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है कि पुलिस ऑफिसर जो है ना उसके पास में रीजनेबल मतलब उसके पास में रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए ये बिलीव करने के लिए कि जो उस कंप्लेन का या इन्फॉर्मेशन या सस्पिशन का जो बेस है, ठीक है ना,
वो एग्जिस्ट करता है, मतलब ये माना जा सकता है कि उस पर्सन ने जिसको अरेस्ट किया जाना है उसने वो ऑफेंस जिसके अगेंस्ट मतलब जिसके रिगार्डिंग उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की गई है या इन्फॉर्मेशन मिली है वो ऑफेंस उसने कमिट किया है। और दूसरा कि पुलिस ऑफिसर ये सेटिस्फाई कर ले कि भाई अरेस्ट जो है ज़रूरी है, मान लीजिए उस पर्सन का जिसने इस तरीके का ऑफेंस किया है उसका अरेस्ट ज़रूरी है पुलिस ऑफिसर का अगर ये मानना है, ठीक है ना, तो भी वो उसे बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। और उसके लिए कौन कौन सी मतलब पुलिस ऑफिसर के सेटिस्फेक्शन के लिए कि अरेस्ट ज़रूरी है कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं। एक सबसे पहले कि अरेस्ट नेसेसरी है, क्यों, ताकि उस पर्सन को फर्दर क्राइम करने से कमिट करने से रोका जा सके, फाइन। दूसरा उस ऑफेंस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी उसका अरेस्ट जो है नेसेसरी हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज़ कि इस मतलब उसकी अरेस्ट उस पर्सन की अरेस्ट इसलिए भी नेसेसरी हो सकती है, क्यों, ताकि वो जो भी एविडेंसेस हैं, ठीक है ना, उनसे कोई एविडेंसेस जो भी उस ऑफेंस से रिलेटेड एविडेंसेस है ना उनकी टेम्परिंग ना कर सके, उनसे छेड़छाड़ ना कर सके किसी तरीके से, या फिर उनको नष्ट ना कर सके, ठीक है, इसके लिए भी उसका अरेस्ट ज़रूरी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि ताकि वो पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाना है वो किसी भी तरीके का इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस ना करे ऐसे पर्सन को जो कि उस केस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन से मतलब इन्फॉर्मेशन के बारे में उसको पता है, केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से एक्वेंटेड है, ठीक है ना, ताकि भाई उसको मिसगाइड ना कर सके ना, चाहे वो रिश्वत के तरीके हो चाहे दरा धमका के हो, किसी भी तरीके से उसको इंड्यूस ना करे, फाइन ना। और लास्ट इसमें क्या दे रखा है कि पुलिस ऑफिसर के लिए उस पर्सन को अरेस्ट करना इसलिए भी नेसेसरी हो सकता है ताकि जब कभी भी उसकी ज़रूरत पड़े कोर्ट में तो उसको पेश किया जा सके, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसको कस्टडी में ना रखा जाए, अरेस्ट ना किया जाए। हो सकता है भाई उसको आपने छोड़ दिया कि जी अरेस्ट नहीं किया, आपने कस्टडी में नहीं लिया, बट वो हो सकता है कि भाग जाए कहीं छुप जाए, तो फिर उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा जब उसकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, फाइन। तो ये तो हमारे आपके इसके पार्ट्स हो गए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपका आगे जो है वो क्या कहा जा रहा है, ठीक है ना। अब आपका देखिए इसमें क्या लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। यहाँ पर क्या प्रोवाइडेड है, ये बात भी ज़रूरी है कि मान लीजिए पुलिस ऑफिसर जो है, ठीक है ना, मान लीजिए पुलिस ऑफिसर जो है वो ये कहता है या मतलब ये मानता है कि उस पर्सन का जो अरेस्ट है ना मतलब उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे ना रिटर्न में देना पड़ेगा, ठीक है ना, उसे रिटर्न में रिकॉर्ड अपने पास भी रखना पड़ेगा और उसे रिटर्न में रिकॉर्ड प्रोवाइड कराना पड़ेगा, राइटिंग में देना पड़ेगा कि उसका जो अरेस्ट है उस पर्सन का जो अरेस्ट है वो आपका नेसेसरी नहीं है, फाइन। तो मतलब पुलिस ऑफिसर के उसमें रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए अगर वो उस ऐसे पर्सन को अरेस्ट नहीं करता है, और उसमें इस पर रीज़न भी मेंशन करना पड़ेगा कि उसका अरेस्ट नेसेसरी क्यों नहीं है। अगेंस्ट होम क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव दैट ही हैज़ कमिटेड अ कॉग्निजिबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू मोर देन 7 ईयर्स वेदर और विदाउट फाइन और विद डेथ सेंटेंस and the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offense. तो अब ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए जो पुलिस ऑफिसर है ना उसके पास में क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है कि भाई जो पर्सन है जिसको अरेस्ट किया जाना है उसने कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस किया है, पर इसका जो इम्प्रिजनमेंट है ना मतलब इसके लिए जो पनिशमेंट है ना वो आपकी 7 साल से ज़्यादा है, और 7 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट है चाहे वो फ़ाइन के साथ में चाहे बिना फ़ाइन की, और इसके लिए डेथ सेंटेंस भी उसको मिल सकता है, ठीक है, और आपका पुलिस ऑफिसर के पास में ये रीज़न भी है ये बिलीव करने के लिए कि ऐसे पर्सन ने वो आपका ऑफेंस कमिट किया है, तो भी वो उसे बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। देखिए एक तो हमने कंडीशन बता दी थी ना कि उस पर्सन ने कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस किया है जिसका टर्म जो है वो 7 साल से कम या 7 साल तक एक्सटेंड किया कर सकता है, तो भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो आपको बता दी है। इसी के साथ में यही कह रहे हैं
कि अगर मान लीजिए किसी के पास मतलब पुलिस ऑफिसर के पास में किसी पर्सन से रिगार्डिंग कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, जिससे ये पता चलता है कि उस पर्सन ने आपका कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट किया है और उसकी पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा है, या उसके लिए आपको उसे डेथ पनिशमेंट भी मिल सकती है, ठीक है, डेथ पनिशमेंट भी तक भी एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है ना, तो उस केस में भी उस पर्सन को अरेस्ट करना ज़रूरी हो जाएगा, या हम कह सकते हैं पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। यह हम सारा बता रहे हैं कि बिना वारंट का कब आपका अरेस्ट किया जा सकता है। अभी देखिए, हमने आपका इसका ए पार्ट पढ़ा था, बी पढ़ा, या आप देख रहे हैं ना, ये है आपका ए, ये बी है, ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम बात करेंगे इसका ही, आपका ये बी ए पार्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये बी ए इसलिए शायद लिखा है इन्होंने क्योंकि ये आपका जो आपका बी वाला पार्ट है ना, वही अपनी कुछ बात बोलते हैं ना, उसकी बची हुई बात को यहाँ कहा जा रहा है, जिसमें कहा था ना कि 7 साल से कम या 7 साल तक एक्सटेंड, अब यहाँ पर बात कर दी है कि 7 साल से ज़्यादा या फिर डेथ पनिशमेंट भी हो सकती है, ऐसे ऑफेंसेस के केस में भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है उस पर्सन को, फाइन। अब हम बात कर रहे हैं सी, इसके सी पार्ट की, ठीक है ना, तो सी पार्ट क्या है आपका कि हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर आइदर अंडर दिस कोड और बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और मान लीजिए कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, मतलब गवर्नमेंट ने किसी भी कोर्ट के जरिए, किसी भी कोर्ट, ज़रूरी नहीं है कि आपका ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर ही आपका प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो सकता है कि बोलते नहीं पहले से बोलते आपराधिक प्रवृत्ति, या बोल सकते हैं आपराधिक उसके लिए किसी भी आपका अपराध के लिए उसको सज़ा हो चुकी हो, या फिर उसको आपराधिक घोषित किया जा चुका हो, वो किसी भी कोर्ट के अंडर हो सकते हैं। आपके जो लॉ है, लॉ में कई सारे कोड है, एक सिर्फ क्रिमिनल या आपका सिविल नहीं होता है, है ना, इसके अलावा हो सकता है कि उसको प्रॉपर्टी के केस में आपका ऑफेंडर हो या किसी और केस में आपका ऑफेंडर हो, तो अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है किसी भी कोर्ट के अंडर, ठीक है, इस कोर्ट के अंडर या फिर किसी भी कोर्ट के अंडर या किसी गवर्नमेंट ऑर्डर के अंडर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो उस केस में भी उसे बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज़ फाउंड विच मे बी रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी एंड हु मे रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग। तो ये कहता है कि मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसके पोजेशन में कोई आपका पोजेशन में कोई आपकी स्टोलन प्रॉपर्टी है, या फिर आपका उसके ऊपर शक है, ठीक है ना, कि उसके पास कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है, पोजेशन हो किसी स्टोलन प्रॉपर्टी के, या शक हो कि वो इसके पास वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो उसको भी आपका क्या किया जाएगा, बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। अब ई क्या कहता है, कब कोई पुलिस ऑफिसर बिना उसके रीजन के ना बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है वो किसी पुलिस ऑफिसर की जो ड्यूटी है उसके एग्जीक्यूशन में बाधाएं उत्पन्न करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है उसकी ड्यूटीज़ को करने से, ठीक है ना, बाधाएं उत्पन्न करता है, बोलते नहीं या बैरियर्स लेके आता है भाई उसकी ड्यूटी को, ताकि वो अपनी ड्यूटी एग्जीक्यूट ना कर सके, ठीक है, या फिर हु हैज़ एस्केप्ड और अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, या फिर कोई आपका बोलते नहीं है लॉफुल कस्टडी से भाग गया है या भागने की कोशिश की है किसी ने, तो भी उस केस में उसे बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, फाइन। नेक्स्ट इज एफ पार्ट क्या है इसका, हु इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बींग अ डिजर्टेड फ्रॉम एनी ऑफ दी आर्म फोर्सेज ऑफ यूनियन। कि अगर मान लो कि कोई आपका यूनियन की जो आर्म फोर्सेज है उनसे डिजर्टेड है, या सस्पेक्ट मतलब उसके शक है कि भाई इसको आर्म फोर्सेज से निकाला गया है, तो उसको भी आपका क्या है बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। वैसे भी आपको पता है ना 45 के हिसाब से जो सेक्शन है उसके हिसाब से आर्म फोर्सेज के जो लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलती है अरेस्ट से, तो इस कंडीशन में आपका उनको अरेस्ट किया जा सकता है अगर वो डेजर्टेड है आपका आर्म फोर्सेज से। और हु हैज़ बीन कंसर्न्ड इन और अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड और अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ हिज हैविंग बीन कंसर्न्ड इन एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया which if he committed in India would have been punishable as an offence and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in India। और ये कह रहे हैं कि किसी ऐसे पर्सन को भी अरेस्ट किया जा सकता है कि जिसने कोई ऐसा क्राइम किया है, ठीक है ना, कोई ऐसा क्राइम किया है कि जिसके लिए बोलते नहीं आपको अरेस्ट करना ज़रूरी है,
और ये क्राइम उसने कहाँ किया है, ठीक है ना, मतलब इंडिया से बाहर किया है। तो और अगर इंडिया में वो होता और उसने वो क्राइम किया होता तो उसको मतलब जो भी पनिशमेंट उस समय आपका एप्लीकेबल होती वही पनिशमेंट इस केस में भी उसकी उसके लिए एप्लीकेबल होगी। फाइन, नेक्स्ट, किस कंडीशन में अरेस्ट किया जा सकता है, हु बीइंग अ रिलीज्ड कन्विक्ट, ठीक है, कमिट्स अ ब्रीच ऑफ एनी रूल अंडर मेड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 356, मतलब सेक्शन 356 के सबसेक्शन 5 के अंडर, ठीक है ना। अगर किसी ऐसे पर्सन ने जो कि आपका रिलीज्ड कन्विक्ट है, रिलीज्ड कन्विक्ट मतलब जिसको जो कि किसी अपराध के लिए जिसको दोषी ठहराया जा चुका हो पर उसको छोड़ दिया गया हो, ठीक है ना, छोड़ दिया गया है और उसने किसी रूल का ब्रीच किया है, ठीक है ना, किसी रूल को तोड़ा है उसने या उसकी अवहेलना की है सेक्शन 356 के सबसेक्शन 5 के अंडर, तो भी उसको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। इसको मैं एक बार और बता देती हूँ कि कोई रिलीज कन्विक्ट है, मतलब रिलीज कन्विक्ट है इसका मतलब वो उसको किसी मामले में अपराधी जो है वो ठहराया जा चुका है, वो अगर सेक्शन 356 के सबसेक्शन 5 के अंडर किसी रूल का ब्रीच करता है तो उसे बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन वेदर रिटन और ओरल हैज़ बीन मेड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर प्रोवाइडेड दैट द रिक्विजिशन स्पेसिफाइज द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड द ऑफेंस और अदर कॉज फॉर विच द अरेस्ट इज टू बी मेड एंड इट अपियर्स देयर फ्रॉम दैट द पर्सन माइट लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट बाय द ऑफिसर हु इशूज द रिक्विजिशन। तो ये आपका पार्ट कह रहा है कि मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसको अरेस्ट किया जाना है, उसके लिए रिटन या ओरल रिक्विजिशन मिलती है किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर से, ठीक है ना, दूसरे पुलिस ऑफिसर से, और साथ में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है कि उसको बता स्पेसिफिकली उसको अरेस्ट करना है किस पर्पस के लिए कह सकते हैं या किस ऑफेंस के लिए, तो भी आपका पुलिस ऑफिसर जो है वो आपका अरेस्ट कर सकता है ऐसे पर्सन को। फाइन, एंड अब इसका बात है इसका सेक्शन सबसेक्शन 2 बात क्या बात करता है, ठीक है ना, हमने सेक्शन 1 की बात करी इसमें, ठीक है ना, अभी आपका सेक्शन 2 है, सेक्शन क्या इसका पार्ट जो है, ठीक है ना, क्लॉज आपका हो गया ना। तो ये क्या बात करता है आपका जो 41 का आपका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है ना, वो बात करता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42, मतलब सेक्शन 42 के प्रोविजंस के सब्जेक्ट है ये वाला सेक्शन, नो पर्सन कंसर्न इन अ नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, ठीक है, नो पर्सन कंसर्न इन नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस और अगेंस्ट होम अ कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ हिज हैविंग सो कंसर्न शैल बी अरेस्ट एक्सेप्ट अंडर अ वारंट और ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन, ठीक है ना, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि आपका कंसर्न है आपका किससे, आपका नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस से, ठीक है ना, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, ठीक है ना, उससे कंसर्न है। ये कहता है कि नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के लिए वारंट का होना ज़रूरी है, मतलब अगर कोई पर्सन जो है जिसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल की गई है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है या सस्पिशियस ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं कि उसने नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस किया है, तो उसके लिए ना वारंट की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, वारंट की ज़रूरत पड़ती है। फाइन, तो ये आपका हो गया सेक्शन 41 कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन 41 आपका कंप्लीट हो गया है। मैंने कोशिश की है बेरक से समझाने की ताकि उसका जो हर क्लॉज है, सब क्लॉज का भी, सब क्लॉज वगैरह जो भी हैं वो आपको क्लियर हो सके, ठीक है। कोशिश मैंने की है, कईयों को इसमें समझ में आएगा, कईयों को नहीं आएगा, ठीक है ना, जिनको समझ में ना आए उनके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं कोशिश करूँगी दोबारा से और अच्छे से समझाने की। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे और वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए।